और एक परात मंगाई और परात में चरणों को रखा और चरणों को आज जल से नहीं धोया। आज प्रभु ने रो रो करके अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि अगर मैंने रुक्मिणी को आदेश दिया कि पानी जल गर्म करके लाओ तो देर लगेगी, तो क्यों ना मैं अपने मित्र के आंसुओं से चरणों को धुला दूं। क्योंकि सुदामा जी नंगे पैर आए थे ना, तो उनके पैरों में छाले पड़ गए थे साहब। आज फिर एक बार जो मित्र को बचपन में कांटा निकाला था मुख से, आज मेरे द्वारकाधीश ने उस पैर को उठाया, देखा कि तब तो एक कांटा लगा था पर आज सैकड़ों कांटे घुसे पड़े हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और एक एक कांटे को हाथों से नहीं मुख से निकाल रहे हैं। कितना भी हमारा तुम्हारा चाहने वाला व्यक्ति हो जाए, कभी अपने मुख से कांटा निकाल नहीं सकता। कांटा निकालेगा तो किससे? नुकीली लेके आएगा जिससे दर्द होता है। और आज हमारे ठाकुर जी सुई का उपयोग नहीं करते, क्योंकि वैसे भी तो बेचारा दर्द में है, अगर इसके सुई डालूंगा ना तो और दर्द होगा। आज अपने प्यारे प्यारे मुख से उस कांटे को निकालते हैं। और क्या चाहिए मेरे प्यारे हो, हम इस दुनिया के लिए जो कभी साथ नहीं देती उसके लिए सब लुटाने को बैठे हैं, और जो हमारा वास्तविक साथ देने वाला है उसके लिए हम एक पल भी नहीं देना चाहते, एक अन्न का कण भी नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि ये अन्न का कण, ये दान पुण्य, कभी कभी इंसान समझता ना कि हम दान नहीं कर रहे, कभी मन समझना कि तुम दान नहीं कर रहे, तुम्हें ठाकुर जी दान करने नहीं दे रहा, क्योंकि वो नहीं चाहता पाप के कमाया हुआ धन तुम्हारा लगे जा करके। क्योंकि जिसे स्वीकार करते हैं, लाइक करते हैं मेरे कृष्ण मेरे गोविंद, उसी का धन उसी का जीवन मेरे ठाकुर जी के चरणों में लगता है। लाख तुम चाहो कुछ भी नहीं होने वाला। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे हो, दुनिया में अगर एक रिश्ता ऐसा है जो हमें सदा अपनाने के लिए, आज जब चरणों को धोया कांटों को निकाला आंख से आंसू हैं, ऐसा सब अचरज देख करके वो रुक्मिणी मैया और उनकी बाकी की 16,107 आठ सब पटरानियां देख रही हैं कि देखो सही खुद हैं द्वारकाधीश दुनिया के मालिक, और दुनिया का मालिक होते हुए भी अपने से ऊंचे एक ब्राह्मण को बिठाया, क्योंकि वो जानती हैं, क्योंकि जो द्वारकाधीश है ना वो ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। मेरे प्यारे हो, हमारी तो चली क्या, ठाकुर जी स्वयं रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और भी प्रवचन पत्थर की लिखा। दुनिया में किसी से डरो या मत डरो, पर ब्राह्मणों से डरना, क्योंकि उनका श्राप बड़ा खतरनाक होता है। भगवान कहते हैं कि मेरा एक बार वचन फीका हो सकता है, पर ब्राह्मणों ने जो बोल दिया सो बोल दिया, एक ना एक दिन वो सिद्ध हो जाता है। पर कैसे? भजन के प्रभाव से। इसलिए मेरे प्यारे हो, भजन करिए, ठाकुर जी से प्रेम करिए, कथा को टाइम पास मत बनाइए, कथाओं को समझिए। आज मेरे प्यारे हो, सब अचरज में पड़ गई पटरानियां महारानियां, अब करें तो करें क्या, पूछ रही है कौन है ये मेहमान, ऐसा अजीब कौन है। तो आज द्वारकाधीश सारे इशारों में बताते हैं ये और कोई नहीं, ये मेरा मित्र है साहब। छाती ठोक करके कहते हैं, आजकल अगर एक बेटा ऊंचे पद पर बैठ जाए और बाप अलग स्थिति में हो ना, ऑफिस में जाए तो कह देते ये मेरा बाप नहीं है, पिता नहीं है, कौन है, कभी कभी पिता को भी नौकर बता देते हैं, ये है दुनिया वाले। पर वो छाती ठोक के कहता है
दुनिया का रक्षक, कि ये मेरा मित्र है। और तो और उन सभी रानियों को, पटरानियों को आदेश देते हैं कि चरण छुओ, क्योंकि ब्राह्मण है, ध्यान रखना आशीर्वाद मिलेगा। आज वो रानियां पटरानियां चरण स्पर्श करती हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं सुदामा जी, कि देखो तो सही, इसे कहते हैं मित्रता। भगवान है पर फिर भी इसके अंदर अहम नहीं, और हमारे पास थोड़ा सा धन हो घमंड के मारे फट जाते हैं, किसी की तरफ मुड़ करके देखना पसंद नहीं करते, झुक करके प्रणाम नहीं कर सकते किसी को, चरण स्पर्श तो करना बहुत दूर की बात है। भगवान सिखाते हैं। आज सुदामा जी कहते हैं एक के बाद एक लाइन लगी हुई है। सुदामा जी कहते हैं कौन है ये चरण छूने आ रही है, तो लाला कहते हैं, द्वारिकाधीश कहते हैं, और नहीं आपकी बहुएं हैं, आपकी बहू है। सुदामा जी कहते हैं एक दो लाइन लगी है, कामेटर है। ठाकुर जी कहते हैं हे मित्र, हे ब्राह्मण देव, ये आपके ही आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है, ये आपका आशीर्वाद है ये सब। जैसे ही लाइन लगी हुई है बहुत दूर तक, रानी महारानी उनके पीछे बालक, सुदामा जी कहते हैं ये तो पैर पैर ही ले जाएंगे, है कब तक आशीर्वाद दूंगा, एक आध दिन में भी पूरा नहीं होने वाला, महीने से गुजर जाएंगे, एक बार इनसे कह दे प्रणाम कर ले, मैं एक ही बार में कर दूं सब कुछ। आज सभी रानी पटरानियों ने प्रणाम किया, आज सुदामा जी ने आशीर्वाद दिए और सेवा की। द्वारिकाधीश ने स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनाया और अपने महलों में जाकर के बिठाया, जिस पलंग पर स्वयं ठाकुर जी विश्राम करते थे आज उस पलंग पर बिठाया। ये है मेरे ठाकुर जी की दया, एक बार तुम्हें उसे याद तो करो, उससे प्रेम तो करो, दुनिया से अपने मन को हटाओ तो सही, फिर देखो सवर का फल मीठा होता है। आज सुदामा को बिठाया, भोजन कराया, बड़े सुंदर सुंदर 56 प्रकार के भोग खिलाए सुदामा जी को, और जब भोजन करा दिया ना तो क्या कहा, ए मित्र एक बात बताओ, आपका विवाह नहीं हुआ? सुदामा जी कहते हैं हाँ विवाह हुआ है, बड़ी सुंदर है तुम्हारी भाभी, बड़े अच्छे आचरण वाली है, सभ्यता है, संस्कार है, और तो और तुम्हारे तीन तीन बाल गोपाल भी हैं। अच्छा तो एक बात बताओ मित्र, तुमने मुझे अपनी शादी पे तो बुलाया नहीं। कन्हैया से कहते हैं तुमने कौन सा बुला लिया, लाइन लगाती है 16,108 विवाह कर लिए बुलाया, मैं तो गरीब था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर तुमने क्यों नहीं बुलाया। कन्हैया कहते चलो छोड़ो इस बात को, पर एक बात बता दो, मेरी भाभी है ना, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने को भेजा होगा ना, खाने के ताई दिया होगा कुछ ना कुछ। जैसे ही सुना कि कुछ खाने के ताई दिया होगा, तो अब तो सुदामा उस पटली को खिसका रहे हैं, छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो देख चुके हैं कि जो 56 भोग खाने वाला, माखन मिश्री का खाने वाला, क्या ये टूटे हुए चावल खाएगा, शर्मा रहे हैं, सुकड़ करके बैठे हुए हैं। आज कृष्ण समझ गए, आज मेरे द्वारिकाधीश समझ गए, कहने लगे अच्छा आज फिर वही काम करने लगे, अरे जो तुमने है, गुरु माता ने तुमको जो चने दिए थे वो भी छुपाए थे, उस दिन छुपा करके खा गए, उसके कारण तुम्हें दरिद्र बनना पड़ा, और आज भी मेरा हिस्सा छुपा रहे हो। कहते हैं ना मेरे प्यारे हो, जो भाई दूसरे भाई का या किसी दूसरे व्यक्ति का हिस्सा खाता है उसे दरिद्र होना पड़ता है, इसलिए कभी भी किसी का हिस्सा खाना नहीं चाहिए। रोटियों के लिए भी मारे मारे भटकोगे, कह दिया द्वारिकाधीश ने, आज फिर वही काम करने लगे, और ठाकुर जी ने जाकर के वो चावल की पोटली खींच ली। मेरे प्यारे हो, चावल की पोटली खींची और उसमें से खोल करके पोटली एक मुट्ठी चावल लिया और उसका भोग लगाया, और जैसे ही भोग लगाया, कहा जाता है कि ठाकुर जी ने एक मुट्ठी चावल जैसे ही मुख में रखे तो आज
ठाकुर जी ने उन सुदामा को एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो दूसरा भी लोक दे दिया, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल डालने को चले तो रुक्मिणी मैया ने हाथ को पकड़ लिया। कई लोग इसका गलत भाव लगाते, अनर्थ कर देते, कहते ना अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। कई लोग कहते हैं कि हाथ इसलिए पकड़ लिया कि कहीं ऐसा ना हो द्वारिकाधीश सब कुछ दे दे नहीं को तीसरा भी लोक दे दे हम कहां रहेंगे। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, पर नहीं मेरे प्यारे, कहा जाता है जिसे स्वयं नारायण स्वयं भगवान देने पर तुला हो उसे कोई रोक सकता नहीं है। हाथ इसलिए रोका था, कहा अरे द्वारिकाधीश क्या तुम्हें हमारी याद नहीं है, अकेले अकेले इस प्रसाद को खाए जा रहे हो, हमको भी तो दो। इसलिए मेरे प्यारे हाथ पकड़ा था। आज उन चावलों को सभी ने प्रसाद के स्वरूप में भोग लगाया। समय निकला, दिन दो दिन चार दिन निकल गए तो आज सुदामा जी कहते हैं कि मित्र अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मेरा परिवार है, मेरी गृहस्थ धर्म मुझे निभाना है, न जाने मेरे बच्चे मेरी पत्नी कैसे रह रही होंगी।